हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ रियल मी 5G फ़ोन का। तो अगर आपको 5G फ़ोन लेना है तो कौन सा फ़ोन लेना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा ये वीडियो में। और मैं 5G फ़ोन ले चुका हूँ गाइज, आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो देखो गाइज कितना बढ़िया सा लुक है इसका, येल्लो येल्लो पूरा एकदम रियल मी येल्लो येल्लो टाइप का बॉक्स देता ही है। इसके अंदर देखो मेरा ब्रांड फ़ोन निकल गया यार, एकदम न्यू फ़ोन है, एकदम न्यू फ़ोन का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। इसे मैं लिया था फ्लिपकार्ट से, इसका प्राइस कितना पड़ा है ये मैं वीडियो का बीच में बताऊँगा, क्योंकि पहले बता दूँगा तो आप वीडियो नहीं देखोगे, आप पहले ही स्किप करके चल जाओगे। इसलिए पूरा देख लो कितना गजब का लुक है फ़ोन का, देख सकते हो कितना अमेजिंग सा साइन कर रहा है, एकदम चमाचम लग रहा है फ़ोन। ये 5G फ़ोन है गाइस, आपको बता दूँ आप 5G का ऑफर आया हुआ कि आप फ्री में 5G नेट यूज कर सकते हो, अनलिमिटेड 5G नेट जितना चाहो उतना, एकदम 100 MB/s 150 MB/s के स्पीड से और भी ज़्यादा स्पीड से यूज कर सकते हो, वो आपके एरिया में नेटवर्क के अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हो कितना गजब है ये फ़ोन, जो है ना काफ़ी स्मूथ काम करता है, काफ़ी फास्ट काम करता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारा 5G फ़ोन आ गया, आपको कौन सा 5G फ़ोन लेना चाहिए, ये रियल मी 5G फ़ोन है। अगर आपको और दूसरा फ़ोन लेना है तो आप ले सकते हो, जैसे हो गया पोको का फ़ोन हो गया, वो भी मस्त फ़ोन है, IQ Z6 Lite हो गया। ये फ़ोन क्यों महंगा है मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, अभी वीडियो देख लो। मैं इसका कैमरा के बारे में बता देता हूँ, इसका सेल्फी कैमरा 16 MP है, बहुत बढ़िया इसका सेल्फी कैमरा है। लेकिन इसका बैक कैमरा उतना खास नहीं, मैं बोलूँगा बैक कैमरा और भी बढ़िया इसका होना चाहिए था, लेकिन हाँ मीडियम रेंज के लिए सही है बैक कैमरा। मैं फ़ोटो खींच कर दिखा देता हूँ बैक कैमरा से, आप देख सकते हो मीडियम सही है इसका बैक कैमरा, लेकिन इसका सेल्फी कैमरा जो है ना बहुत ही गजब है। ये तो बैक कैमरा का फ़ोटो हो गया, सेल्फी कैमरा का फ़ोटो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सेल्फी कैमरा लेकर दिखा दूँगा इसका कितना गजब सेल्फी कैमरा इसका गजब है। सेल्फी कैमरा के लिए मैं ये फ़ोन लिया हूँ, सेल्फी भी इसका गजब है और इसका फास्ट चार्जिंग की वजह से फ़ोन लिया हूँ। इसमें आपको एक कवर मिल जाता है फ्री में, इसमें कवर पिन और चार्जर अडेप्टर ये सब आपको फ्री में ही मिलेगा, बाकी सब फ़ोन में आपको अलग से पैसा देने पड़ेंगे कवर के लिए अडेप्टर के लिए। वाइट कलर का एक कवर मिलता है इस बॉक्स में, आप कवर देख सकते हो, ये फ्री में आपको कवर देता है कंपनी वाले की तरफ से, आप ये कवर लगा सकते हो ऐसे कुछ इस तरीके से, देखो मैं लगा कर दिखा देता हूँ आपको। और ये फ़ोन का खासियत ये है कि ना इसमें चार्जिंग बहुत जल्दी चार्ज होता है, बस इसी के कारण इसका प्राइस आपको बाकी फ़ोन से 2000 ज़्यादा मिलेगा। इतने कम दाम में आपको फ़ोन मिल जाएगा, काफ़ी कम दाम में ये फ़ोन है, आप मानो या नहीं मानो, अगर ऑफ़र आया ना तो उसमें और आपका कम में हो जाएगा। ये तो आपको मैं 70,000 बता रहा हूँ, उसमें और 500 रुपया और कम ही हो जाएगा। तो इतने कम टाइम में आपको फ़ोन चार्ज हो जाएगा, इतने कम दाम में आपको फास्ट चार्जिंग फ़ोन मिल रहा है, एक कम बात है क्या। ये 128 GB फ़ोन का स्टोरेज है, देख सकते हो 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है चार्जर, इस पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो जूम कर। इसके साथ एक केबल भी मिलेगा और चार्जर भी फ्री मिल रहा है बॉक्स में साथ में, अब बॉक्स के नीचे देखोगे चार्जर फ्री एंड केबल भी फ्री। फ्री में चार्जर कौन, बहुत कम कंपनी आजकल देने लगी है, सब फ़ोन कंजूसी करने लगे हैं, केबल नहीं देंगे चार्जर नहीं देंगे, आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा, उसके लिए 1000-2000 अलग से खर्चा करो, इसमें ये सब परेशानी नहीं है। ये फ़ोन इसका खास बात ये लगा ना, ये 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट में मेरा 0 से 100% कर दे रहा है, ये इसका खास बात मेरे को लगा। ये बहुत ही अमेजिंग एकदम फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है गाइस, इसमें 30W आपको मिल जाते हैं फास्ट चार्जिंग, बहुत सारे फ़ोन में आपको केबल नहीं मिलेंगे चार्जर मिलेंगे, ये सब का पैसा फ़ोन वाले कम कर देते हैं, पैसा तो लगता है आपका प्राइस कम है, लेकिन इसमें आपको दोनों साथ में मिल रहा है, आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा तो महंगा लगेगा और प्लस में आपको परेशानी भी होगी, अलग से ख़रीदने के लिए सोचना पड़ेगा। पहले मैं दूसरा फ़ोन यूज करता था, ये फ़ोन मैंने फ़ोटो एडिटिंग से पैसा जमा कर लिया हूँ, कहा बोलूँ मैं, काफ़ी दिनों से मैं पैसा जमा कर रहा था ये फ़ोन के लिए तब जाकर लिया हूँ। एंड मेरा जो ओल्ड फ़ोन था उसमें काफ़ी कम स्टोरेज था, 32 था, इसमें 128 GB स्टोरेज है एंड 6 GB रैम है, इसमें तो 4 GB रैम था लेकिन ये भी स्मूथ काम करता था, लेकिन जो मैं फ़ोन लिया उसमें 6 GB रैम है एंड 128 GB स्टोरेज है। एंड ये फ़ोन जो है मेरा ओल्ड फ़ोन है, ये भी अच्छा काम करता था, ये Redmi 4 फ़ोन है, 4G फ़ोन था। ये फ़ोन में ना मैंने 1000+ फ़ोटो एडिट किया, ये फ़ोन थक चुका था शायद, बहुत ज़्यादा एडिट किया हुआ, एक्चुअली मेरा फ़ोन नहीं था घर का फ़ोन था इसलिए मुझे न्यू फ़ोन लेना पड़ा, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ोटो एडिट किया हूँ मैं इसलिए न्यू फ़ोन लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।